जी तो गाइस आज जो है हम उस कैमरा का टेस्ट करने वाले हैं जो कि मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। आप लोग जब भी जो है लो बजट में कैमरा पूछते हैं कमेंट्स में लाइव पे, तो मैं आप लोगों को एक ही कैमरा रिकमेंड करता हूँ सबसे ज़्यादा, जिसका नाम है कैनन का 60D कैमरा। बहुत ही फेवरेट कैमरा मेरा। आज की हमारी वीडियो के चार स्टेप हैं। पहले स्टेप में मैं आपको इसके की फीचर बताऊंगा और दूसरे नंबर पर जो कैनन के 60D की बेस्ट सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम इसका जो है फोटो शूट करके, लाइव फोटो शूट करके इसका टेस्ट करेंगे, इससे तस्वीरें बनाएंगे 70-300 से भी और जो है 50mm से भी बनाएंगे, और जो है लाइट यूज़ करके हर तरह की सिचुएशन में इसका टेस्ट करेंगे। जितने भी कैनन इसके अंदर फीचर दिए हैं सबका टेस्ट करेंगे, और जो तस्वीरें निकालूंगा उनका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जो है एडिट करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाकर मेरा वन क्लिक फिल्टर जो है वो बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और जो है चौथे नंबर पर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा, न्यू भी यूज भी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और की फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो कैमरा है ये 18 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसके अंदर डिजिक 4 प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया गया है। दूसरा जो इसका बहुत ही अच्छी जो मुझे बात लगी है वो ये है कि यहाँ पर आपको जो है रोटेट स्क्रीन दी गई है, जो वेरिएबल स्क्रीन है, यानी कि आप हर तरफ को इसे जो है घुमा सकते हैं, सेल्फी भी ले सकते हैं, ये कि इसका बहुत अच्छा फीचर है। तीसरे नंबर पर जो ये है कि आप जब भी लाइव फोटो शूट करते हैं तो लाइव में इसका फेस डिटेक्शन मोड होता है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि आपका फोकस जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो अगला फीचर जो है इसके अंदर 9 क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, आपके फोकस जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है उनसे। इसके अलावा जो इसके अंदर आपको लाइट ऑप्टिमाइज़र दिया जाता है, यानी कि लाइट अगर आपकी कहीं जगह हार्श है, कहीं जगह पे शेडोज़ हैं, तो इसके अंदर अगर आप लाइट ऑप्टिमाइज़र को ऑन करते हैं तो आपकी फोटो जो है वो बहुत ही अच्छी आती है, वो लाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो खुद ब खुद ही कैमरा जो है सेलेक्ट कर लेता है। अगला फीचर जो इसका बहुत ही मुझे पसंद है वो ये है कि आप जो है कैमरे के अंदर ही अपनी तस्वीर की जो है एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्रिएटिव फिल्टर भी दिए गए हैं जो कि आप जो है अपनी फोटो के अंदर ब्लैक एंड वाइट या और भी किसी तरह के फिल्टर जो है वो लगाकर अपनी तस्वीर को बहुत ही क्रिएटिव जो है ऑन लोकेशन ही बना सकते हैं, आपको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। और आप इसके ऊपर कंटिन्यूस शूटिंग जो मूड है वो 5.3 पर सेकेंड जो है फ्रेम पर सेकेंड जो है शूट कर सकते हैं, मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर भाग रहा है, आपका ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तब भी आप बहुत अच्छी तस्वीरें जो है वो निकाल सकते हैं। इसकी बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप एक बार फुल करने के बाद 920 शटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आपने जो ISO शटर स्पीड अपर्चर जो है वो हर सिचुएशन के हिसाब से रखना होता है। और यहाँ पर जो आपने ये देखिएगा, यहाँ पर आप जो है सिंगल शॉट भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सिंगल क्लिक लेना, अगर आप ग्रुपिंग में है तो आप यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर ऑटो फोकस जो है आपने यहाँ पर जो ऑटो फोकस वन शॉट पर रखना है, इससे आपका जो एक जो है फोकस पॉइंट जो है वो आपका फोकस करेगा। इसके अलावा आपने यहाँ पर ड्राइव सिंगल रखना है, ISO जो है ये तो आपने अपना सिचुएशन के हिसाब से रखना है। और जो मेन सेटिंग जो आपने अंदर से करनी होती है वो ये है कि आपने यहाँ से क्यू का बटन दबाना है, ये वाला, और यहाँ से जो आपने पिक्चर स्टाइल जो है स्टैंडर्ड पे रखना है। स्टैंडर्ड पे भी आपने जाकर कुछ सेटिंग कर लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये देखिएगा आप इन्फो के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपने शार्पनेस बढ़ा लेनी है और जो है आपने सेचुरेशन बढ़ा लेनी है, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है आपने। इसके अलावा दोबारा आप क्यू दबाकर जो अपना जो है यहाँ पर कलर टेम्परेचर जो है आप केल्विन के ऊपर रखेंगे, ठीक है, जो कि आप हर सिचुएशन के हिसाब से खुद ब खुद ही चेंज कर सकते हैं। हम तीसरे नंबर पर जो टेस्ट करने वाले हैं लाइव फोटोशूट से इस कैमरे को, तो यहाँ पर जो है हम सनलाइट टेस्ट कर रहे हैं और हमने सनलाइट में देखना ये है कि हार्श लाइट में हमारा ये कैमरा किस तरीके से परफॉर्म करता है। और यहाँ पर जो है मैं दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप जो है कैमरा बाय करें 60D, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका कैमरा जो है वो रीफर्निश ना हो। अगर कैमरा रीफर्निश होगा तो आपका जो है रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और दूसरे नंबर पर अगर आप 70-200 या 55-250 बाय कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप न्यू डब्बा पैक लें, कभी भी यूज लेंस ना लें 70-300 और 55-200, ये जो है यूज में आपको काफी मसला करेंगे। और यहां पर जो है हम तस्वीर खींच के देखते हैं हमें किस तरीके की तस्वीर मिलती है। तो ये वाला जो क्लिक है हमें काफी अच्छा मिला है सनलाइट में, आप देख सकते हैं सनलाइट में काफी अच्छी जो है हमें टोन मिली है और जो हमारा क्लिक जो है एक्सपोज नहीं हुआ, और हमने जो एडिट किया है वन क्लिक फिल्टर से और बहुत ही कमाल की कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर आपको जो है वो काफी अच्छा ब्लर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो है फुल लेंथ फोटो में हमने ये चेक करना है कि हमें ये कैमरा किस तरीके का ब्लर देता है। यहां पर हम फुल लेंथ फोटो बनाकर जो चेक करते हैं और यहां पर जो पोज हमने बनाए हैं वो काफी यूनिक हैं, उनको भी आप जो कॉपी कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स के अंदर बना सकते हैं। तो गाइस यहां पर जो हमने फोटो निकली है ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा हमें ब्लर मिला है, एक सस्ते कैमरे से भी काफी अच्छा जो है हमें ब्लर मिल चुका है बैकग्राउंड के अंदर, और काफी अच्छी यूनिक कलर ग्रेडिंग की है हमने। न्यू प्रीसेट बनाया वन क्लिक फिल्टर में, जिन्होंने पहले बाय किया था वो मुझसे ये ले सकते हैं। यहां पर जो हम चेक कर रहे हैं इसका जो कंटिन्यूस शूटिंग मूड किस तरीके का है, मतलब आप जो है अपनी
मोशन में जो पिक्चर्स होती हैं वो किस तरीके की ले सकती हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हमने जो है शर्ट खोल के यानी कि हवा में लहराती हुई शर्ट का थोड़ा सा शूट करके देखा है और कंटिन्यूस हमने साथ में तस्वीरें खींची हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हमें तस्वीर मिली है, उनमें से एक जो तस्वीर हमने निकाली है आप देख सकते हैं ब्लर भी पूरा है, फोकस भी पूरा है, मतलब आप अपनी कंटिन्यूस जो शूटिंग मूड पर काफ़ी अच्छी तस्वीरें ले सकती हैं। और ये वाला जो फिल्टर है हमने वन क्लिक फिल्टर से लगाया है। किसी भी कैमरे की जो मेन चेक करने वाली चीज़ होती है वो उसका फोकस टाइम होता है। यहाँ पर जो है आपने देखना होता है कि फोकस टाइम कितना स्लो है या कितना फास्ट है, और कैनन 60D का फोकस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मैंने इस फोटो को खींचते हुए यही सिर्फ चेक किया था कि फोकस पॉइंट कैसा है, हमें जो फोटो काफ़ी अच्छी मिली है ये वाली ये तस्वीर। और साथ में हमने जो न्यू फिल्टर बनाया है वन क्लिक फिल्टर में वो हमने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया है। अक्सर औकात जो है वो हम शाम को फोटोशूट करते हैं जहाँ पर जो हमें शेड्स होते हैं यानी कि आपका जो है लाइट सनलाइट बिल्कुल नहीं होती, और शेड में होता ही है कि आपकी लाइट जो है वो थोड़ी कम होती है। और अगर बेस्ट कैमरा वही माना जाता है जो आपका शेड में भी बेस्ट परफॉर्म करे, ब्लरिंग फोकस उसका शेड में भी अच्छा हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड में हमने फोटो खींची और काफ़ी शाइनिंग निकल कर आई है, मतलब शेड में भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। और यहाँ पर जो हमने अपना बिल्कुल यूनिक सा एक फिल्टर जो है वो डाला है वन क्लिक फिल्टर से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपके कैमरे की शार्पनेस नहीं अच्छी, आपकी फोटोज जो है वो ब्लरी आती हैं यानी कि हल्की सी शेक हुई आती हैं, तो वो वाली तस्वीरें जो कोई भी क्लाइंट जो है वो जो एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी तस्वीरें हमेशा रिजेक्ट होंगी। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना यह है कि वो कैमरा जिसके अंदर शार्पनेस जो है आपको काफ़ी अच्छी मिले। यहाँ पर जो हमने शार्पनेस का टेस्ट किया है 60D का काफ़ी अच्छी हमें मिली है, 9:10 शार्पनेस है, काफ़ी अच्छा जो है हमें रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर हमने जो अपना ब्राउन जो है वो फिल्टर डाला है इसके अंदर वन क्लिक फिल्टर से, काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग हुई है उससे। तो बहुत से लोग जो है वो लो लाइट फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब उन्हें जो है तस्वीरें डार्कनेस में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसका लो लाइट में टेस्ट किया है जो कि हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली है, मतलब हमें ज़्यादा ISO बढ़ाना नहीं पड़ा, हमारी तस्वीरें जो है वो लो लाइट में काफ़ी अच्छी आ गई हैं। यहाँ पर हमारा जो टाइम था वो तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था, और यहाँ पर हमने वन क्लिक फिल्टर डाला है इसके ऊपर, काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग वहाँ से की। बुके इफेक्ट जो है आपके बैकग्राउंड में काफी ज्यादा कूल लगता है, तो यहां पर हमने यही चेक किया है 50mm लेंस के साथ हमें कैसा बुके मिलता है। तो यहां पर जो आप देख सकते हैं काफी अच्छे हमें बुके इफेक्ट मिला है, यानी कि साइड से आप देख सकते हैं काफी अच्छे बुके मिले हैं। और इसके ऊपर जो है हमने वन क्लिक फिल्टर डाला है जिसके अंदर हमने ये गोल्डन स्किन वाला वन क्लिक फिल्टर है जो हमने न्यू डिजाइन किया है। यहाँ पर निकॉन कैनन सोनी और जितने भी कैमरा ब्रांड हैं उन सबकी कलर टून जो अलग होती है या थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर कैनन की कलर टून जो सबसे अच्छी है, और 60D की जो कलर टून हमें मिली है काफ़ी अच्छी मिली है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो हमें कलर टून इफेक्ट मिला है बैकग्राउंड का भी और हमारे फेस का भी, और ये हमने उसके ऊपर वन क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है जिससे काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो गाइस इसकी न्यू जो डब्बा बंद प्राइस है वो आपको जो है नेट से या आपको शॉपकीपर से जो है वो सही मिलेगी, क्योंकि इसकी जो न्यू प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर मैं आपको कुछ बता दूं तो वहाँ पर मार्केट में जाकर कुछ और निकले तो वो थोड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी प्राइस जो है वो गाइड कर देता हूँ यूज़ में, ठीक है, यूज़ में, क्योंकि मैं सेल करता रहता हूँ, यानी कि कभी ले लेता हूँ कभी सेल कर लेता हूँ। तो जो इसकी इस टाइम पाकिस्तान में यूज़ में प्राइस है वो है तकरीबन 40 से 45 हज़ार के राउंड बोर्ड जो है अच्छी हालत में आपको जो ये कैमरा मिल जाता है। और इंडियन में यही प्राइस जो है वो आपकी बनती है तकरीबन 16, 17 या 18 हज़ार के करीब जो आपकी ये प्राइस बनती है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और जो फोटोज़ मैंने निकाले हैं अगर आपको वो पसंद आए हैं तो लाजमी उनको डाउनलोड कीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाएँ डाउनलोड करें, उनको एडिट करें और इंस्टा की स्टोरी पर जाकर मुझे मैंशन करें, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रेट भी करूँगा, आपको वहाँ से न्यू फॉलोअर भी मिलेंगे, और इसके अलावा आपकी फोटो अगर बिल्कुल मेरे जैसी बनी सेम टू सेम तो आपको मेरा वन क्लिक फिल्टर भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, अगली दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय।